चूंकि जाहिर है ये जिस कॉन्टेक्स्ट में इस ऑपरेशन को अनाउंस किया गया उसकी मंजूरी हुई अब जिस तरह से मौलाना रहमान साहब भी कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक साफ़ के रानमा और दीगर जमातें भी आपके ख्याल में क्यों मुखालफत कर रहे हैं आपको लगता है कि इस ऑपरेशन से रियासत की रिट मुता है ही नहीं वो तो ये कह रहे हैं ना मौलाना साहब और ये अदम इस्तकाम मजीद आएगा इस ऑपरेशन से आप किस तरह से देखते हैं देखें ये जहां अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे और उसकी प्रेस रिलीज को अब अड़तालीस घंटे हो गए और उन्होंने अब आके कहा कि ये ऑपरेशन का लफ्ज नहीं था और इस्तेकाम की बात अज़म इस्तेकाम की बात हो रही थी बिल्कुल दुरुस्त बात है अगर एक वजी अल कहते हैं तो क्वेश्चन तो उन्होंने उठा दिया मीटिंग हुई प्रेस रिलीज जारी हुई और ये स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है कि जो लेटेस्ट चीनीों पर हमले हुए और उसके टी टी पी के साथ अफगानिस्तान में शवाद सामने आ गए जो चाइना ने भी हमारी इतला के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान की जो रजीम है उनके साथ शेयर किए हैं पाकिस्तान ने भी किए हैं पाकिस्तान के सेक्टरी दाखिला खुरम आगा खुद गए थे और जा के सारे एविडेंस उनके हवाले किए थे तो जब अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट टी टी पी को नहीं रोक रही और मुसलसल पाकिस्तान के अंदर वो दहशत गर्दी के ऑपरेशन कर रहे हैं जनूबी अजला में मुख्त लोग मुख्त बातें कर रहे हैं बहरह एक अदम इसम तो मौजूद है इसमें तो कोई शुबा नहीं है अब इशू है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो मैंने मौलाना रहमान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और वहाँ पे कॉम्प्रस्त भी बैठे हुए थे सारे सवाल जवाब भी हुए कि जी पंजाब से ऑपरेशन लॉन्च होना चाहिए ए के लोगों ने भी बात की गवर्नर के साथ बैठ के सब की बात दुरुस्त है पंजाब ही अगर सब के जहन में है तो पंजाब में भी ऑपरेशन कर लें जहाँ पे मौजूद हों जो मौलाना रहमान भी यहाँ पे जलसे करते हैं या पी भी मूवमेंट करती है यहाँ जितने लोग आते जाते हैं और पंजाब ने कभी किसी सूबे के साथ तब का बर्ताव नहीं किया पंजाब के बारे में ज़रूर बात की जाती है लेकिन पंजाब का ही बड़ा दिल है बड़ा भाई भी और रखना भी चाहिए तो चलें यहाँ से कर लें लेकिन अगर जो चीज़ें शवाहिद मौजूद हैं और एपेक्स कमेटी में या तो वो ये कह देते कि वहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई वहां प्रेस रिलीज जारी कर दी गई फिर कुछ और सवाल था लफ्ज ऑपरेशन पे उन्होंने एतराज़ किया और पार्लियामेंट के अंदर लाने की बात या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट की बना के तो बिल्कुल दोनों चीजें दुरुस्त है माजी में भी होता है माजी में बेशक इमरान खान आ, बुला के जहां आर्मी चीफ और डीजी आई एस आई भी आ जाते थे डीजीएमओ भी आते थे और इमरान खान तशरीफ नहीं ले जाते थे तो यहाँ तो बताया गया ना गवर्नमेंट की तरफ से कि जब मीटिंग होगी तो शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे तो ये काम पहला एक फोरम है एपेक्स कमेटी का फिर वो कैब उसमें हो जाएगा और पार्लियामेंट में भी आएगा जहाँ मौजूद हो वहाँ बहस भी होनी चाहिए छुपा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर हमारे अपोजिशन के लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये उनका माफी है और उन्हें लोगों की नुमाइंदगी हासिल है तो ये कुछ दुरुस्त गलत बात नहीं है ये उनका मुतालबा है अब गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी मुसल्लाफाज के लोगों के साथ मिल प्लान करके जैसे कल कैबिनेट अप्रूव करती है इसके खाल बुनियादी इंटेलिजेंस शेयरिंग तो इन कैमरा में कुछ ना कुछ हो जाएगी उसको जरूर ब्रीफ करें लोगों के जहन में कोई अभाम जो है कि आखिर जरब अजब हुआ रद्दलफसाद हुआ अरबों रुपये के लाखों करोड़ों रुपये के गोले मारे गए अपने ही मुल्क में और फिर लोगों का इल्ज़ाम आ गया उसके ऊपर उस वक्त के मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर बातें करते थे हम सब आप सुनते थे तो ठीक है नई फौजी आदत का ख्याल ये है और नई गवर्नमेंट का भी जो पिछले पहले पीडीएम की सूरत में था और अब आर्मी चीफ मौजूद हैं बाकी टीम प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए हैं वो जो जनरल फैद और जनरल भाजपा ने ए, काम शुरू किया था तालिबान को ला के पाकिस्तानी तालिबान को सवात में बसाने का आपको याद होगा डीएसपी जो है अंडरवेयर में बाहर आए थे उठा के ले गए थे वो पिटाइयां शुरू कर दी थी और अपना सिस्टम दोबारा शुरू कर दिया था जिसकी बुनियाद पे ये हुआ कि जनाब यह पॉलिसी गलत थी अब उस पॉलिसी को भुगत तो अवाम ही रहे ना वो के में हो वो मतलब फाटा में हो वो सवात में हो उसके असरा पंजाब में आए सिंध में आए बलोचिस्तान में जाए सारे हम उसको भुगत रहे हैं कि जनाब जिन तालिबान के लिए आप कॉफी कौ के कप चाय के कप पिलाने पिलाए जा रहे थे सब कुछ हो रहा था मोहब्बतें और निशावर हो रही थी बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका हमें पायदार फायदा नहीं हुआ तो असूली बात दुरुस्त है कि में लें और फिर जरूर करें वो एक्शन जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए जरूरी